इट्स टाइम टू व्यू बॉलीवुड की टॉप 5 न्यूज। आखिर तमाम स्पेकुलेशंस के बाद शाहरुख की फिल्म रईस की डेट फाइनल हो गई है। अब ये 26 जनवरी 2017 में रिलीज होगी। पहले ये ईद और फिर दिवाली पे रिलीज होने वाली थी। अब सलमान की सुल्तान के साथ नहीं बल्कि ऋतिक की काबिल और अजय देवगन की फिल्म बादशाहों से रईस क्लैश होगी। अपने थर्ड नेशनल अवार्ड के एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि अब वो संस्कृत लैंग्वेज पर काम करेंगी क्योंकि उनकी माँ भी संस्कृत टीचर है और उन्हें ये एक ऐसी लैंग्वेज लगती है जिससे कोई रिलेट नहीं करता। मगर एक अमेरिकन को जब उन्होंने फ्लुएंटली बात करते हुए देखा तो उन्हें काफी खराब लगा। जॉन अब्राहम अब अनीस बाजमी की आंखें 2 में नजर नहीं आएंगे। पहले जॉन ये फिल्म करना चाहते थे मगर बाद में उन्होंने डेट्स का प्रॉब्लम बताते हुए ये फिल्म छोड़ दी। लेकिन फिल्म ना करने की असली वजह थी जॉन का 12 करोड़ रुपए मांगना, जो अनीस को ठीक नहीं लगा। सोनाक्षी सिन्हा जल्द काठमांडू में परफॉर्म करने वाली हैं और इसकी वजह है नेपाल के लोग अब तक एक साल पहले आए अर्थक्वेक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सोनाक्षी नेपाल आर्मी वाइव्स एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले इवेंट में परफॉर्म करेंगी ताकि विक्टिम्स के लिए फंड रेज किया जा सके। गुड एफर्ट सोनाक्षी। श्रद्धा कपूर अब अपने डैडी शक्ति कपूर का घर छोड़ देंगी और वजह ये है कि उन्होंने जुहू में खुद का अपार्टमेंट खरीद लिया है, लेकिन ये उनके मॉम डैड के घर से ज्यादा दूर नहीं है। वेल गर्ल हैज रियली ग्रोन अप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू माई बॉलीवुड।